आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं आपको बताने जा रही हूँ इम्पोर्टेंस आपके पेपर में इकोनॉमिक्स के कौन से क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें जो है ना 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के सब मिक्सअप क्वेश्चन हैं। तो शॉर्ट नोट्स में जो क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर्स में जो क्वेश्चन आएंगे, रिविजन में जो क्वेश्चन आएंगे, सब मिक्सअप क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप सब मिक्सअप में ही करके जाना, क्योंकि मैंने आपको वो शॉर्ट शॉर्ट में नहीं दिए, क्योंकि अगर वैसे में मैं दूंगी तो आपके लिए बहुत शॉर्टकट में क्वेश्चन हो जाएंगे। इतने शॉर्टकट में क्वेश्चन नहीं करके जाने हमको, हमें क्वेश्चन पूरा कवर करना है। इसके वजह से मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जैसे आपका क्वेश्चन भी पूरा कवर हो। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड यूटिलिटी, ये 24 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और सप्लाई, व्हाट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेंट्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मीनिंग ऑफ मोनोपोली एंड टाइप्स ऑफ मोनोपोली, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड फंक्शंस, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये ना यहाँ तक जो है, यहाँ तक पार्ट जो है ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स तक है, यहाँ से माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्टिंग्विश जो भी हैं आपके वो सब करके जाने हैं। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, फंक्शन ऑफ मनी, इसमें तीनों ही फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कॉन्टिजेंट फंक्शन ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, ओके, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस, मेजर ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स दोनों ही, कंपोनेंट्स ऑफ बजट एंड मीनिंग ऑफ बजट, कंपोनेंट्स जो भी हैं बजट के सभी, ये 24 क्वेश्चंस हैं। 24 ही क्वेश्चंस आपको पूरे क्वेश्चन में, पोर्शन के जो चैप्टर्स हैं वही कवर किए गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है और यूटिलिटी क्या है, ओके, इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई तो पूछा ही जाता है एग्जाम में। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो लॉस है ना, लॉ दिए गए हैं वो छोड़ के ही नहीं जाने एग्जाम में। और टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई, और जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली मार्केट, ये सर ये चैप्टर है ना, ये भी छोड़ के नहीं जाना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और सप्लाई, व्हाट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेंट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ये जो चैप्टर है ना ये छोड़ के ही नहीं जाना है। इसमें से आपको डिस्टिंग्विश भी आ सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्योर कॉम्पिटिशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोपोली और परफेक्ट, ऐसे करके आपको डिस्टिंग्विश भी आ सकते हैं। डिस्टिंग्विश आ सकता है डिमांड और सप्लाई के बीच में, डिस्टिंग्विश आ सकता है सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में, तो ऐसे डिस्टिंग्विश आ सकते हैं। और ये डिस्टिंग्विश इम्पॉर्टेंट भी है, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, या तो फिर डिमांड और सप्लाई, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या तो मोनोपोली कॉम्पिटिशन, ये तीन डिस्टिंग्विश जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरे भी डिस्टिंग्विश आ सकते हैं, बाकी ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। मैंने आपको तीन डिस्टिंग्विश भी इम्पॉर्टेंट बता ही दिए, मीनिंग ऑफ मोनोपोली एंड टाइप्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर भी इम्पॉर्टेंट है चैप्टर एंड इट्स फंक्शन, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या है और फंक्शन उसके कौन से परफॉर्म करता है एंटरप्रेन्योर। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस ये भी आता है डिस्टिंग्विश में, माइक्रो एंड मैक्रो, ये भी डिस्टिंग्विश में आता है, ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, डिस्टिंग्विश बिटवीन वो भी आता है, चार मैंने आपको डिस्टिंग्विश बताया है, माइक्रो बताया है, माइक्रो एंड मैक्रो, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक,
मोनोपोली मार्केट परफेक्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये चार डिस्टिंग्विश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. डिस्टिंग्विश में कौन से मैंने बताए, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और उसके बाद कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, और लास्ट मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बीच में डिस्टिंग्विश पूछ सकता है. ओके, उसके बाद व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, फंक्शन ऑफ मनी और टाइप्स ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, मेजर्स और टू कंट्रोल क्रेडिट बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कंपोनेंट्स ऑफ बजट एंड मीनिंग ऑफ बजट. कंपोनेंट्स क्या है बजट के और मीनिंग क्या है बजट की, ये 24 क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. आपको इसके अलावा दूसरे भी देख के जाने हैं, मतलब ऐसे नहीं वो छोड़ के जाने, वो भी क्वेश्चंस देख के जाने हैं. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछना, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल. थैंक यू.